दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर अभी तक लिंक नहीं हुआ है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जिन स्टेप को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर आसानी से आप लिंक कर सकते हैं, वो भी आप अपने घर बैठे ही ये कार्य कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है माई आधार, तो माई आधार आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे जैसा कि हमने कर लिया है और सर्च कर लेंगे। इसके बाद जो वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस वाली वेबसाइट पर टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन होके आ चुकी है। नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड से कहीं पहले से ही कोई मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए चेक आधार वैलिडिटी। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा चेक आधार वैलिडिटी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है आपको यहाँ पर टाइप करना है ऐप एंटर कैप्चा कोड के ऑप्शन पर। बाय चांस अगर आपको कैप्चा कोड समझ में ना आए तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कर सकते हैं इस वाले सिंबल से। तो यहाँ पर आप कैप्चा कोड टाइप करेंगे, उसके बाद आधार नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका आधार नंबर यहाँ पर ऊपर शो करेगा, आधार वेरिफिकेशन कम्प्लीट ये शो करेगा और कुछ बेसिक डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एंड में मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, देखिए अगर आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उसके लास्ट 3 डिजिट आपको दिखाए जाएंगे, और अगर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा आधार कार्ड से तो यहाँ पर आपको नन दिखाया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर जुड़ा है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो कैसे जोड़ना है, आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। तो घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आपको अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है IPPB, तो यहाँ पर आप IPPB टाइप कर सर्च कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने IPPB टाइप कर लिया है और यहाँ पर सर्च करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक वेबसाइट आ रहा है, आपको ऊपर वाली वेबसाइट पर ही टैप कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देखिए सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, IPPB कस्टमर्स और नन IPPB कस्टमर्स। तो आपको नन IPPB कस्टमर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डोर स्टेप बैंकिंग और ऊपर नीचे वाला ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म एसोसिएशन विथ अस। तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देखिए डोर स्टेप बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया अकाउंट बना सकते हैं या फिर यहाँ पर आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है बच्चे का आधार कार्ड बनाने का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको लगभग सारी सर्विसेज दी गई हैं घर बैठे करने के लिए, तो यहाँ पर आप एक एक करके सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो हमारे जो हम जिस बारे में वीडियो बना रहे, देखिए आधार मोबाइल अपडेट, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देखिए आधार मोबाइल अपडेट, इसके सामने जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर आप टिक करेंगे। हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं इसलिए हमने वहाँ पर टिक किया, अगर आप कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप मिस्टर हैं मिसिज हैं जो भी है यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट नेम आप फिल करेंगे, अपना लास्ट नेम फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहां पर फिल कर देंगे, उसके बाद ईमेल आईडी है तो यहां पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एड्रेस फर्स्ट लाइन वाले ऑप्शन पर अपना थोड़ा एड्रेस फिल कर देना है, उसके बाद सेकेंड एड्रेस पर भी यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है और यहाँ पर अपना पिन कोड अपने एरिया का पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो जैसे ही आप पिन कोड फिल करेंगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके आसपास जितने भी पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आप
सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना पिन कोड और अपना एरिया का पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, ये जो नीचे जो कॉलम दिए गए हैं ये ऑटोमेटिकली जी फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक खाली बॉक्स दिखेगा, तो यहाँ पर आपको खाली बॉक्स में टाइप करना होगा आधार मोबाइल अपडेट। तो यहाँ पर आपको आधार मोबाइल अपडेट टाइप कर देना है। इतना टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक आई एग्री का बॉक्स दिखाई देगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुली का एक पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका जो सबमिशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको कुछ दिनों का वेट कर लेना होगा, जो भी आपके पोस्टमैन हैं पोस्ट ऑफिस से वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर। उसके बाद जो भी एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस पर आकर आपके घर पर ही आकर मोबाइल नंबर को अपडेट कर दिया जाएगा। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन बाकी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।